एक बार फिर स्वागत है आप देखकर न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। और में इस सेगमेंट में डंके की चोट में ब्रेक के बाद आप बात करेंगे पलामू की। पलामू में भी बिल्कुल यही कहानी है, ऐसी ही कहानी है जो गढ़वा में हमने आपको दिखाई। तो पूजा के बालू गैंग के बाद अब बात पूजा के पट्टा गैंग की भी कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्टोन माइंस की लीज को लेकर पलामू डीसी शशि रंजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक प्रकाश ने डीसी पर अपने करीबियों को स्टोन माइंस का पट्टा देने का आरोप लगाया, साथ ही पूरे मामले पर डीसी शशि रंजन को सफाई देने की मांग भी की है। चुनौती दी कि आप सफाई दे दें वरना आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते ताकि इस पूरे मामले को आप समझ पाए। पूजा एंड कंपनी पर एक और बड़ा खुलासा। बीजेपी ने पलामू डीसी शशि रंजन पर उठाए सवाल। डीसी के करीबियों को खनन पट्टा देने का आरोप। पूजा एंड कंपनी को लेकर सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी ने पलामू डीसी शशि रंजन पर गंभीर आरोप लगाए। दीपक प्रकाश ने पलामू में स्टोन माइंस का पट्टा देने के मामले में डीसी पर सवाल उठाए। पलामू डीसी शशि रंजन पर गंभीर आरोप। डीसी ने अपने करीबियों को दिया खनन पट्टा। पलामू डीसी की भूमिका पर सवाल। डीसी बताएं किस आधार पर दिया पट्टा। जो जानकारी मिली है पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया। दीपक प्रकाश ने मां विंध्यवासिनी और प्राइम स्टोन में खनन के पट्टे पर सवाल उठाए। दीपक प्रकाश ने कहा कि मां विंध्यवासिनी के डायरेक्टर हैं रणधीर पाठक और अंजना चौरसिया। डीसी बताएं कौन है अंजना चौरसिया। अंजना चौरसिया का पता बिहार का बक्सर है। मैसेज जय विंध्यवासिनी स्टोन, मेरे पास सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और विंध्यवासिनी स्टोन में से जय मां विंध्यवासिनी स्टोन के दो डायरेक्टर हैं रणधीर पाठक और दूसरा है अंजना चौरसिया। कौन है अंजना चौरसिया और उनका पता भी बक्सर है, बक्सर बिहार का बक्सर। दीपक प्रकाश ने कहा कि मां विंध्यवासिनी को 4.17 एकड़ में खनन के लिए पट्टा दिया गया। दीपक प्रकाश ने कहा कि मां विंध्यवासिनी और प्राइम स्टोन को खनन का पट्टा दिया गया। दोनों कंपनियों को डीसी के माध्यम से स्टोन माइंस दिया गया और वो पलामू जिले के मौजा शाहपुर थाना नौडीहा बजार थाना संख्या 380 खाता संख्या 72 प्लॉट संख्या 295 297 और 299 300 302 304 और 306 कुल रकबा 4.17 एकड़ में पत्थर खनन क्रशर प्लांट स्टोन चिप्स एवं डस्ट के लिए लीज आवंटित की गई। और दूसरा भी है, उनको भी मैसेज प्राइम स्टोन, इन दोनों के लीज में उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध। मां विंध्यवासिनी स्टोन माइंस के चारों तरफ उपजाऊ जमीन है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी तरीके से आबादी वाले इलाके में पत्थर खनन का पट्टा दिया गया। ग्रामीणों ने कई बार स्टोन माइंस की शिकायत की है, डीसी से लेकर कई अधिकारियों से लेकर शिकायत की है, स्टोन माइंस को बंद करने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बीजेपी ने पूरे मामले पर डीसी से सफाई मांगते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो पूजा सिंघल के मामले में ईडी ने 3 जिलों के खनन अधिकारियों को समन भेजा है, जिसमें साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्को और पलामू के आनंद कुमार। अब आप सोचेंगे कि हाँ, तुम बात पलामू के डीसी की कर रहे थे शशि रंजन की, तो फिर इन खनन अधिकारियों के नाम हम क्यों ले रहे हैं? तो लग रहा है ऐसा और हो सकता है ऐसा कि इस फहरिस्त में अगला नाम डीसी शशि रंजन का भी हो जाए, क्योंकि मामला तो उसी खनन से जुड़ा है, उसी खान विभाग से जुड़ा है जिसकी सचिव पूजा सिंघल थी,
तो ये कनेक्शन ही तो हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमने एकदम शुरुआत में कहा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही पूजा काफी है, हर शाख पर पूजा बैठी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसलिए कहा था हमने साहब कि पूजा सिंगल के ना जाने कितने मातहत होंगे, ना जाने कितने गुर्गे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे। और इस दौरान हम सीधा रुख करते हैं इस पूरे मामले को लेकर पलामू में, ये कैसे हुआ था, नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नाम लिया है मां विंध्यवासिनी स्टोन का, तो क्या ये मामला क्या है, मतलब इस स्टोन जो क्रशर है, जो स्टोन माइंस है, ये कहां पर ऐसा है, मतलब एकदम क्या नियम के खिलाफ जाकर इन लोगों को आवंटित कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह की बात सामने आ रही है और जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने डॉक्यूमेंट के साथ ये आरोप लगाया है पलामू उपायुक्त सत्य रंजन के ऊपर कि वो अपने दो निजी खास लोगों को ये लीज दिया है, पत्थर माइंस का लीज दिया है, तो ये चौंकाने वाली बात है और गंभीरता से जांच का भी विषय है। क्योंकि लगातार विंध्यवासिनी जो माइंस स्टोन है उसके बारे में लगातार ग्रामीणों का भी विरोध चल रहा था कि वो गलत तरीके से लीज किया गया है, आसपास का खेतियार इलाका है, आबादी है, गांव के लोग वहां पे बसे हुए हैं, तो इस तरह का लगातार उसके बारे में विरोध भी सामने आते रहा है, कई बार लोगों ने आंदोलन भी करा है। तो अभी जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है कि खास लोगों को ये और नियम को ताक पर रखते हुए ये लीज दिया गया है और इसमें काम चल रहा है, और दूसरा जो प्राइम स्टोन है उसके बारे में भी जो बातें सामने आ रही है कि वो भी गलत तरीके से दिया गया है, और दो खास लोगों का नाम आ रहा है, रणधीर पाठक और जो चौरसिया है उनके नाम आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे खनन पदाधिकारी को भी नोटिस आया है। नीलकमल, एक चीज जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे, एक अंजना चौरसिया जो कि इसमें पार्टनर है, सेकंड डायरेक्टर है विंध्यवासिनी स्टोन्स में, और बीजेपी से दीपक प्रकाश ने कहा कि अंजना चौरसिया बक्सर की है, आप खुद समझ जाइए बिहार के बक्सर की है, तो ये क्या इशारा था, मतलब कौन है अंजना चौरसिया, आप शायद जानते होंगे आप अगर पलामू से हैं तो। देखिए, ये नाम भी जो अभी पहली बार सामने आया है, ये गुप्त तरीके से इस नाम को दिया गया है, तो ये चीजें अभी सामने आ रही है कि अंजना चौरसिया और इनका तार बिहार के बक्सर पे है। तो फिलहाल जो जांच में सामने आएगी तभी पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनको जो बिहार के ये बक्सर के हैं, इनको कैसे पलामू में लीज दिया गया और रणधीर पाठक को कैसे दिया गया, ये पूरी तरह से गंभीरता से जांच का विषय है। क्योंकि अभी जिस तरह से पूजा सिंगल सिंडिकेट का खुलासा हुआ है पूरे झारखंड में, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, और इत्तेफाक नीलकमल ये भी है कि पलामू के माइनिंग ऑफिसर भी आ रहे हैं, रडार पर है, और कल उनसे पूछताछ होगी सोमवार को ईडी दफ्तर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, दो दिनों से ये पलामू में पूरी तरह से चर्चे का विषय है कि पलामू के जो वर्तमान खनन पदाधिकारी आनंद कुमार है उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी और कई चीजें सामने आएगी। चूंकि यहाँ पे एक बड़ा हब है, आपको कहा जाए तो छतरपुर जो इलाका है वहाँ माइनिंग का एक बड़ा हब है, वहाँ भी कई ऐसे माइंस पूर्व से भी संचालन हो रहे हैं जो कई मायने में वो अनलीगल है, वो नियम का ताक पर रख के माइनिंग करते हैं। कई बार चीजें सामने आती है, उठाई जाती है ग्रामीणों द्वारा, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अभी तक कोई बड़ा जांच नहीं हुआ है। अगर गंभीरता से जांच किया जाए, जो दर्जनों ऐसे माइंस हैं जो गलत तरीके से लीज किया गया है, इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और चलो नीलकमल, शुक्रिया जी। अच्छा नीलकमल, एक जानकारी ये भी कि ये जो जो खनन वाला जो इलाका है, क्या वो खेतियर जमीन में है और उसके आसपास स्कूल भी है, ये भी जानकारी मिल रही है? जी, वो आबादी वाला इलाका भी है और ग्रामीण वहाँ पे कई सालों से निवास करते हैं, आसपास
स्कूल भी है, गवर्नमेंट का स्कूल, प्राइमरी स्कूल वगैरह है, वो उसी को लेकर के लगातार ग्रामीण पूर्व में भी आंदोलन करा है, उस माइन का लीज रद्द करने की मांग को लेकर कचहरी में भी धरना दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया आला अधिकारियों द्वारा। जी मतलब ग्रामीणों की मांग को अनसुना करते हुए अपने चहेतों को खान आवंटित कर दिया गया कुल मिलाकर, ये माने? जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि कई जो गांव के लोग हैं वो जब आंदोलन करते हैं तो अलग अलग इलाके से भी इस तरह का स्वर उठने लगता है कि यहाँ भी इस तरह का अवैध रूप से संचालन हो रहा है, तो इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए बिल्कुल नीलकमल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी, नजर आप बनाए रहे और इस मामले की तह में जाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस खबर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप निकाल कर लाए ताकि हम दर्शकों को बता पाए, सरकार को बता पाए कि देखिए क्या हो रहा साहब आपके पीठ पीछे, अगर आपको जानकारी ना हो तो क्या हो रहा है, क्या करते आपके माइनिंग अधिकारी, क्या करते आपके उपायुक्त, अगर चलता है माइनिंग ऑफिसर्स का कुछ काम आता सामने तो वही घिसे पीटे चिमनी, ईंट वाले चिमनी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया जाता है और लगता है कि काम हो गया हमारा, लेकिन जो बड़ा काम है वो लगातार होते चला जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।